हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अगर फ्रेंड्स इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज देख लें, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कोई अंतर नहीं है, सेम इसी तरीके से वो सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं इसके प्रीवियस वीडियो को, तो देखना ना भूलें। देख लेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स कह रहा है, फाइंड एक्स इफ वाई इक्वल्स टू 3, 2, 1, 4। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है फ्रेंड्स? 2 बाय 2 का है। एंड 2x + y इक्वल्स टू इन मैट्रिक्स 1, 0, -3, 2। ये हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है हमारा x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हम सर्वप्रथम 2x + y इक्वल्स टू 1, 0, -3, 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू y का वैल्यू दिया है, तो जब ये पहले लिखेंगे तो इसमें हम वैल्यू पुट कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या दिया है वो पुट करते हैं फ्रेंड्स। पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x + 3, 2, 1, 4। ये y का वैल्यू है और इक्वल्स टू ये वैल्यू जो दिया है पहले से ही 1, 0, -3, 2, ये हम लिख लेंगे। अब आपको पता है ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, भी 2 बाई 2 का, तो जब फेस सेम होते हैं, फेस मतलब 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2, हम एलिमेंट्स सेम नहीं बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, फेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए 2 बाई 2 का, ये भी 2 बाई 2 का है, तो ये LHS से RHS जाके आसानी से कंप्यूट हो जाएगा। तो चलिए 2x = लिखते हैं 1, 0, -3, 2, -3, 2, 1, 4। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। जब इसे कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 है, ये यहाँ माइनस है बाहर, और यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब 1 में से -3 जाएगा -2 बचेगा, और 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, और -3 में से -1 जाएगा तो -4 बचेगा। और फ्रेंड्स इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 है, तो इसमें से क्या बचेगा, 2 में से -4 जाएगा तो -2 बचेगा। ये हमारा 2x = मैट्रिक्स 2 बाई 2 का प्राप्त होगा। क्यों 2 बाई 2 का मिलेगा, क्योंकि हमारा ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 का था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू है जो ईच एलिमेंट में काम है। देखिए 2 है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा इजिली, तो यहाँ 2 कॉमन हो गया फ्रेंड्स हमारा। यहाँ एक्स में पहले से ही 2 है, तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x = हमें क्या मिल गया, -1, -1, -2, -1, ये 2 बाई 2 का हमें मैट्रिक्स मिल गया फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स देखिए, सेम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 भी है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसे लगाकर चेक भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि फ्रेंड्स फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2 इन मैट्रिक्स 1, 3, 0, x + y, 0, 1 and 2। ये हमारा मैट्रिक्स दिया 2 बाई 2 का, ये भी हमारा 2 बाई 2 का है, इक्वल्स टू 2 बाई 2 का दिया 5, 6, 1, 8। ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, ये क्वेश्चन में दिया फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि यहाँ पर x और y का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इजिली सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है, हम तभी हम किसी दो मैट्रिसेस को कंप्यूट करेंगे जब दोनों का फेस सेम हो, मतलब एलिमेंट्स नहीं फ्रेंड्स, इसका जो क्रम फ्रेंड्स ये 2 बाई 2 का है तो ये भी 2 बाई 2 का होना चाहिए। तो देखिए ये 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो आपस में आसानी से कंप्यूट हो जाएंगे। तो चलिए 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y है तो 2 + y हो जाएगा, 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 है तो 6 + 0 हो जाएगा, और 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 है तो 0 + 1 हो जाएगा, और 2x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 है तो 2x + 2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हमारा क्या है फ्रेंड्स, 5, 6, 1, 8 पहले से ही है तो लिख लेंगे। अब आपको पता है व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल्स देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अब फ्रेंड्स आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2x + y = ये 5 है, 2x + y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए फ्रेंड्स, तभी से जब हम
कंपेरिजन करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लेंगे। अब डियर फॉर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ फ्रेंड्स इक्वल टू लगा लीजिएगा, भूल गए हैं, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और हमारे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 एक्स प्लस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है, तो हम लिख लेंगे 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8। अब देखिए जब ये 2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हमारे ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 एक्स इक्वल टू 6। अब 2 से 6 कट जाएगा, 3 जाएगा, 3 बार जाएगा तो एक्स प्लस 3 हमारा मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स ना हमारा एक्स का वैल्यू 3 मिल गया एंड वाई का वैल्यू 3 मिल गया, दोनों का वैल्यू सेम है फ्रेंड्स, यही हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, यही हमारा फ्रेंड्स आंसर है। फ्रेंड्स अगर इस चैनल पर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स इस चैनल पर क्लास 12th की टोटल कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।